चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। चोट मार रखी ये पैर बंद रहे ये चोट मार रखे चोट भी लग रही इसका तो पापा जी मार का लाए सब बीस मार्क ढक दो राज सिंह योगी जी और आपसे मेरी योगी है जी। कैसे क्या हुआ मतलब क्या हुआ था उस दिन थोड़ा सा बता दो आप। एक बुढ़िया उठी हुई थी यहाँ पर, फिर मैं तो अंदर लेटा हुआ ही था, मेरे घर वाली उठी, उसको बुखार में हो रही थी वह, तो वह उठी, जैसे वह उठी तो बुढ़िया यहाँ से इस कटिया को घास कर रही थी, इस कटिया को घास कर रही थी, मेरे घर वाले ने कहा ताई वह पेशाब करने के लिए, जैसे पेशाब करने के लिए निकली ताई देखिए इधर से इनकी योगी मतलब सुमी सर के कैसा धुआं कर रहा। उसने बुढ़िया ने नज़र फिरा कर देखी और बुढ़िया आई कहने लगी बब्बा मैं देख रही, तो आई उनने देखा यहाँ से आप जाकर, तो उनने कहा बब्बा इसमें तो बहुत बड़ी डाल आग लग रही, उनने अपना लड़का उठाया रोज का भैया कहाँ से होता है, उनने उसका अपना लड़का उठाया, उसका लड़का कहने लगी वह बुढ़िया बोल रही अरे भाई इसकी दिशान में आग लग गई रे इसके भाई, तो उनने अपना रुंडा उठाया, उनने बल के जोगिंदर ने मुझे हाँक मारी कि भाई सुभाष उठिए उठिए, मैं कहने लगा क्या बात, कहने लगा राज सिंह के शान में आग लग गई, मैं कहने लगा कैसे लग गई भाई नो तो मुझे पता नहीं कैसे लग गया। क्या करते हैं राज सिंह जी आप? मैं भट्टे पर पथेर का काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? जटनगरा रोड। कितने साल की थी लड़की? ये लड़की है 14 साल की। क्या पढ़ाई वढ़ाई करती थी? हाँ पांचवी में पढ़ी। क्या हुआ है पूरी घटना आप थोड़ा सा बताएंगे, कैसे कैसे आपकी बच्ची के साथ हुआ, आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय गांव में आ गया था जी, इनकी तबीयत खराब थी तो मैं पहुंच नहीं पाया, उसी रात में फिर मेरे पास सुबह ही पता आ गया कहना भाई तुम्हारी लड़की जो है जड़का मर गई। भट्टा मालिक ने क्या कहा आपसे, कैसे हुआ है, किसी ने कुछ बताया वहाँ की? किसी ने वहाँ कोई बताने को तैयार नहीं है जी। भाई हमारा भाई भट्टे बजाओ था जी, बस अकेला ही। आपके भाई है? हाँ जी। बस हम तो जी इस दुर्घटना के बारे में हमें सुबह पता लगा था जी, हम वहाँ पहुँचे तो जिस टाइम हम वहाँ भट्टे पर पहुँचे जी, हम सीधे वहाँ से छान पर गए जी जहाँ ये रहते, वहाँ से हमने जाकर देखा जी तो लंबी खाट पैसे पड़ी और आग लग रही है जी उसमें, हमने उसको काटने की कोशिश करी तो हमारे उसमें हाथ भी मतलब गर्म होते जी और मतलब काटने की मतलब हिम्मत नहीं पड़ी, अंदर ही है जी, अंदर ही आग लगी। उसके बाद जी हमने फिर दरी बाहर से उठाई, जो लड़का सो रहा हुआ जी हमारा छोटा, फिर उसके ऊपर दरी घेर कर जब हमने बाहर लाए जी, फिर हम बाहर आकर अपना हम उड़वा कर बैठ गए जी, बस जमादार वहाँ से कह लगा भाई मैं फलाने आदमी कहाँ गए। वहाँ पे दोनों ही थे बच्चे? हाँ जी बस ये दोनों ही थे जी, ये लड़का लड़की जी। उसके बाद में जमादार से मैंने हमारे से कहा कह लगा भाई राज सिंह कहाँ गए, मैंने कहा जी मैं जो तो पता नहीं कहाँ गए, हम तो फिलहाल नहीं बैठे। उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर ट्रोली भी तैयार है और भाई अपना ऐसे लड़की को उठाओ और अपना अजल मजल कर दो। भट्टा तो जी उनका बताऊँ क्या नाम? गुड्डू का जी। गुड्डू कौन है? जाट है जी। हाँ जी। तो इतने कैसे जल के जलती, तो पूरी जलती पैर भी जलती, ऐसा लग रहा है पूरी जली हुई पैर पकड़ के उसे भट्टी में सूट डाओ ना, ऐसे इस तरह से ही जली हुई है वो। अगर मतलब ऐसे जलता है कोई इंसान, पूरी बॉडी जलती है या कुछ तो बचता ही है, जब घर का सामान बचा हो तो लड़की अकेली कैसे जलगी इतनी? ये कारण एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो दलित समाज के लोग जो लोग हैं
एक तो ये पता है कि वो बेचारे पैसे से संपन्न नहीं है, उनका ज़्यादातर काम है मजदूरी करना, खेतों में जाना, भट्टे पर काम करना। तो लोग बाग ये समझते हैं कि इनको ना पढ़ाई लिखाई है, इनके पास ना किसी चीज़ की ताकत है और ना इन्हीं की कोई ऐसी पहचान है कि ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे। तो ज़्यादातर इनकी लड़कियों की साथ में हिंसा होती है, चाहे वो मारपीट की हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर, चाहे वो मजदूरी को लेकर के। तो इनके साथ में ज़्यादातर हिंसा इस तरह की होती है कि लोगों का इस मुद्दे पे ध्यान ही नहीं है कि महिलाओं के साथ घटना क्या हो रही है। जब तक लोगों की मानसिकता में लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं बनेगा, जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, निर्भया कांड हुआ था। जब निर्भया कांड हुआ ना, तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था और कांग्रेस की सरकार थी, सारी कांग्रेस की सरकार को हिला देता। आज अगर एक हमारे दलित समाज की लड़की के साथ हो रहा है तो क्या इसको लेकर कोई पूरा भारत एक होगा? क्या लोगों के कान पर जूरेंगी? लेकिन नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए फिलहाल मुद्दा राष्ट्रवाद का है। कार्रवाई क्या आ रही है अभी? तो कोई हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यो तो जी, क्या नाम? रिपोर्ट हुई है? हाँ जी, रिपोर्ट तो हो रही जी। तो उसके बारे में अभी कार्रवाई का कोई पता लगा, जब मुलजिम भीतर चले जाएंगे कार्रवाई का तो जब पता लगा जी। मतलब आगे क्या सोच रही है? हाँ जी, लड़ाई लड़ेंगे जब तक के हमारा फाइनल नहीं होता, जब तक के हम खड़े हैं जी। बोला